नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। उत्तर मुंबई में भाजपा नेताओं ने कृपा शंकर सिंह का परिसर जिमखाना में आयोजित एक समारोह के दौरान यह देखिए जोरदार स्वागत किया। आगामी मुंबई मनपा चुनाव को लेकर कृपा शंकर सिंह भाजपा के बड़े स्टार प्रचारक हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। भाजपा इस बार मुंबई महानगर पालिका में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु चुनावी रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस समारोह में यह बात साफ हो रही है कि जिस तरह से कृपा शंकर सिंह के ऊपर भाजपा अपना दांव खेल रही है, आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में भाजपा सत्ता स्थापित कर अपना महापौर बनाएगी। पेश है खास रिपोर्ट। गोपाल का हाथ मजबूत करने के लिए शंकर जी आए हैं तो स्वागत तो जोरदार होना ही चाहिए था। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी विधायक, सभी नगर सेवक और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर आए। और कृपा शंकर जी जैसे एक कद्दावर नेता जब पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत करना ये हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य बनता था। कृपा जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, जैसे मेरे बारे में लोग कहते हैं कि सभी जगह पर जाते हैं, सभी को मिलते हैं, वैसे कृपा जी का एक स्वभाव पहले से बना हुआ है, समाज को साथ में जोड़ के रखना ये उनका स्वभाव बना हुआ है। और कृपा जी भारतीय जनता पार्टी में जिस मुद्दे को लेकर आए, धारा 370 का कांग्रेस ने विरोध किया, इस बात को लेकर कांग्रेस में से उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का जो निर्णय लिया, उसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े मन से स्वागत किया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, राम मंदिर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक हो, इन दिनों में समान नागरिक कायदे के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो देश का जो मूल आत्मा है जो कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग मर चुकी थी, उसको जीवित करने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है। और ऐसे समय पर कृपा शंकर जैसे कद्दावर नेता जब पार्टी में आते हैं तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल और बढ़ता है, और निश्चित इसका आपको नतीजा आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उनके शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ कि मैं एक विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ काम सालों सालों से कर रहा था, लेकिन जब मेरी विचारधारा में परिवर्तन आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक एहसान मेरे ऊपर है और मैं मेरी क्षमता के अनुसार, मेरे कामों के अनुसार कभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिस इरादे से मुझे उन्होंने पार्टी में प्रवेश दिया कभी निराश नहीं होने दिया। आपके चेहरा है सर, और महानगर पालिका चुनाव के ठीक पहले भाजपा में ये काफ़ी उम्मीदें रहती है इनसे उत्तर भारतीय समाज को, तो किस हिसाब से, किस नजरिए से देख रहे हैं सर? माननीय कृपा शंकर सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश, ये अपने आप में एक कांग्रेसी कद्दावर नेता जिसने मुंबई शहर की कांग्रेस का नेतृत्व किया है और इस महाराष्ट्र राज्य में गृह राज्य मंत्री इस नाते से जवाबदारी पर काम किया है, उनका भारतीय जनता पार्टी में आना ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये स्वागतार्य है। और जिस मुद्दे को लेकर के कृपा भैया भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो धारा 370 का मुद्दा जिस पर कांग्रेस ने विरोध जताया था, उनकी आत्मा ने वो कबूल नहीं किया कि जब एक देश पूरी तरह से एक हो रहा है, जब कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद ये पूरा देश एक कश्मीर भारत में पूर्ण तरह विलीन हो जाएगा, उसका समर्थन कांग्रेस ने करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने पत्र व्यवहार किया। जब उसके पत्र व्यवहार के विरुद्ध में उत्तर आए तो उन्होंने मन बनाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ूंगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या माननीय अमित शाह जी, हमारे महाराष्ट्र के नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय चंद्रकांत दादा, उनके नेतृत्व में उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आने वाले 2022 के महानगरपालिका के चुनाव में असरकारक साबित होगा।